हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाली T20 सीरीज के पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले जो खेला जाएगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर 6 दिसंबर को शाम के 7 बजे से। और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार के ऊपर। हैदराबाद की विकेट एक काफी अच्छा बैटिंग विकेट होता है। अगर मैं 2019 के बारे में बात करता हूँ, यहाँ का T20 का एवरेज स्कोर रहा है 171 रन। उससे हमको पता लगता है कि ये पिच बैटिंग के लिए काफी अच्छा है। इस पिच की बाउंड्रीज काफी ज्यादा बड़ी, इस वजह से स्पिनर्स का रोल बहुत बड़ा होगा। इस ट्रैक के ऊपर उनको विकेट मिल सकते हैं, वो फ्लाइट अगर बॉल करेंगे तो बाउंड्री मारना मुश्किल होगा और स्पिनर्स को यहाँ पे विकेट मिल सकता है। सेकंड इनिंग्स में ड्यू फैक्टर के बहुत ज्यादा चांसेस होने वाले हैं, तो आप टॉस जीते पहले बॉलिंग करना चाहोगे इस ट्रैक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ होम टीम इंडिया के बारे में। इंडिया की टीम अभी फिलहाल काफी बढ़िया फॉर्म में चल रही है और उस फॉर्म को वो T20 के अंदर भी कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करना चाहेगा। विराट कोहली की वापस से T20 वापसी हो गई, तो टीम को लीड करेंगे और नंबर 3 के ऊपर खेलते हुए दिखेंगे। ये टूर्नामेंट केएल राहुल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे उनको ओपनिंग करने का मौका मिलने वाला है। और यहां पे केएल राहुल अच्छा खेल जाते हैं तो ओपनिंग स्पॉट उनकी हो सकती है, तो केएल राहुल के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है यह वाली। सबसे बढ़िया बात हुई बॉलिंग के अंदर, भुवनेश्वर कुमार की वापस से टीम वापसी हो गई। भुवनेश्वर कुमार काफी टाइम से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे पर वापस से T20 स्क्वाड के अंदर आ गए हैं। मोहम्मद शमी को भी T20 में वापस बुला लिया गया है, टेस्ट में बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं मोहम्मद शमी, पर उनको T20 में भी जगह मिली है। तो मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार के आने से तेज गेंदबाजी काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई है। और दीपक चहर ऑलरेडी टीम के अंदर, और दीपक चहर भी काफी जबरदस्त बॉलर है, काफी बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, हैट्रिक लिया पिछले मैच के अंदर। तो ये 3 बॉलर्स के होते हुए फास्ट बॉलिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है टीम की। कुलदीप यादव की भी टीम वापसी हो गई है, कुलदीप यादव काफी टाइम बाद एक इंटरनेशनल T20 टीम में आए हैं, देखते हैं खेलने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता। पर वापस से कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल एक ही टीम में शामिल है, तो इंडिया की बॉलिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। मनीष पांडे का फॉर्म काफी ज्यादा बढ़िया रहा है पूरे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर, पर उनको टीम में थोड़ा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, लगता नहीं है कि वो प्लेइंग 11 के अंदर जगह मिलने वाली है। सबकी निगाह वापस ऋषभ पंत के ऊपर रहने वाली है। ऋषभ पंत के लिए एक और इंपॉर्टेंट सीरीज है ये वाली। अगर यहां भी ऋषभ पंत अच्छा नहीं खेलेंगे तो ऋषभ पंत के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है आगे वाले टाइम्स के अंदर। अगर मैं इस टीम के प्लेइंग 11 के बारे में बात करूं, मेरे हिसाब से ओपनिंग कर सकते हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल, नंबर 3 में विराट कोहली, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पे ऋषभ पंत, नंबर 6 पे वॉशिंगटन सुंदर, फिर रविंद्र जडेजा, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और युजवेंद्र चहल। तो ये टीम मुझसे इंडिया की 3 स्पिनर है, 3 फास्ट बॉलर है, मेरे हिसाब से इंडिया ये टीम खिलाएगा अपने पहले मुकाबले के अंदर। अब मैं बात करता हूं वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में। वेस्ट इंडीज की टीम को पिछले महीने ही इंडिया के अंदर एक T20 सीरीज हारने का मौका मिला, पर वो अफगानिस्तान से आए, तो उनको उस सीरीज से सीख लेनी पड़ेगी और इस टूर्नामेंट के अंदर वो जीतने की पूरी कोशिश करना चाहेंगे। सबसे मेन प्लेयर है वेस्ट इंडीज के लिए कप्तान करन पोलार्ड की कप्तानी काफी बढ़िया रही, वो बैटिंग भी काफी अच्छी कर रहे हैं, उसके अलावा अब उन्होंने बॉलिंग भी करनी स्टार्ट कर दी। तो वापस से करन पोलार्ड एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले इस टीम के। इवन लुइस काफी बढ़िया फॉर्म में है, तो वापस इवन लुइस को उम्मीद होगी कि वो टीम को अच्छी शुरुआत करके देंगे। इवन लुइस काफी जबरदस्त प्लेयर है, इंडिया के ट्रैक्स को जानते भी, तो वापस से वो एक काफी बढ़िया प्लेयर हो सकते हैं इन ट्रैक्स के ऊपर। शिमरन हेटमायर बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं रहे, तो वापस से उम्मीद होने वाली है कि शिमरन हेटमायर अपना फॉर्म हासिल कर लेंगे। आईपीएल का ऑप्शन में आने वाला है, तो उससे पहले भी हेटमायर के लिए काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होने वाला है। अगर मैं बॉलिंग के बारे में बात करूं, तो वापस से शेल्डन कॉटरेल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। शेल्डन कॉटरेल काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हो चुके हैं वेस्ट इंडीज के, काफी बढ़िया ओवर डालते हो पावर प्ले से, तो वापस उनसे उम्मीद होगी कि वो अच्छी बॉलिंग करके देंगे टीम को इस ट्रैक के ऊपर भी। कैसरिक विलियम्स T20 के बहुत जबरदस्त बॉलर है, कैसरिक विलियम्स को T20 का स्पेशलिस्ट माना जाता है, उसी एक ही फॉर्मेट खेलते, वापस से कैसरिक विलियम्स की बॉलिंग के ऊपर सबकी निगाह रहने वाली है। स्पिन बॉलिंग की जिम्मेदारी होगी हेडन वॉल्श के ऊपर, हेडन वॉल्श कैरेबियन प्रीमियर लीग के हाईएस्ट विकेट टेकर, तो यहां पर भी हेडन वॉल्श के ऊपर अच्छी जिम्मेदारी होने वाली, अच्छी बॉलिंग करके देंगे टीम को। तो इस टीम वेस्ट इंडीज की टीम काफी बढ़िया T20 टीम है, बैटिंग काफी अच्छी, बॉलिंग काफी अच्छी, ऑलराउंडर काफी ज्यादा अच्छे हैं। निकोलस पूरन इस मैच का पार्ट नहीं होंगे, उनका आखिरी मैच होगा बैन का, अगले मैच टीम का पार्ट हो जाएंगे, पर इस मैच में निकोलस पूरन टीम में शामिल नहीं होंगे, तो टीम उनको मिस जरूर से कर सकती है। अगर मैं वेस्ट इंडीज के लाइनअप के बारे में बात करता हूं, तो ओपनिंग कर सकते हैं लैंडन सिमंस और इवन लुइस, नंबर 3 में ब्रेंडन किंग, नंबर 4 पे शिमरन हेटमायर, नंबर 5 पे करन पोलार्ड, नंबर 6 पे दिनेश रामदीन, फिर आपके आते हैं कीमो पॉल, जेसन होल्डर, शेल्डन कॉटरेल, कैसरिक विलियम्स और हेडन वॉल्स। तो ये टीम मोस्टली वेस्ट इंडीज की, और वेस्ट इंडीज भी ये मैच जीतने की पूरी कोशिश करना चाहता, तो ये मैच बहुत जबरदस्त होने की पूरी उम्मीद है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये मैच कौन जीतने वाला है, आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज ये मैच जीतेगी या फिर इंडिया ये मैच जीतेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और इस मैच की ड्रीम 11 टीम आने वाली है स्क्रीन के ऊपर।
अगर मेरे बजट के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली बात है इंडिया फेवरेट जाएगा इस मैच के अंदर। इंडिया की टीम का फॉर्म बहुत ज्यादा जबरदस्त रहा है पिछले कुछ टूर्नामेंट्स के अंदर, पिछले कुछ सीरीज के अंदर बहुत जबरदस्त खेली इंडिया की टीम। वेस्ट इंडीज की टीम को अफगानिस्तान ने हरा दिया था T20 के अंदर, उनके हौसले जरूर से डाउन होंगे पर वेस्ट इंडीज एक अच्छी टीम है, मेरे हिसाब से मैच जीतेगी इंडिया की टीम। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो को पसंद जरूर से आई होगी। अगर आपको ये वीडियो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। हमारी वीडियो का बहुत बहुत थैंक यू, मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।